केंद्र सरकार ने दिव्यांग बच्चों की चुनौतियों को कम करने के लिए कई योजनाएं शुरू की। इन्हें आगे बढ़ाने के मकसद से स्कॉलरशिप दी जा रही है। अपर्णा अपने माता पिता के साथ उड़ीसा के बालनगीर में रहती हैं। आइए जानते हैं अपर्णा को किस स्कीम के तहत लाभ मिला और कैसे स्कीम के बारे में पता चला। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी पेपर में एडवर्टाइज आया था। स्कीम बहुत अच्छा है। 33% हम जैसे बच्चों को 33% आने से ये स्कॉलरशिप मिलता है। अपर्णा मानती हैं कि उनके जैसे बच्चों के आगे बढ़ने के विकल्प कम होते हैं, इस योजना से उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिला है। हम जैसे बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा क्या है, क्योंकि इस तरीके के बच्चे कभी भी जिंदगी में आगे बढ़ नहीं सकते थे, और ये स्कीम आने के बाद ये सारे बच्चे आगे बढ़ने की प्रोत्साहन मिलती है उन्हें, तो इससे ही वो लोग आगे बढ़ के जा सकते हैं। मैं तो ये कहूँगी कि उस लोग इस स्कीम का लाभ उठाएं, ऑनलाइन अप्लाई करें इसे, और वो लोग आगे बढ़ के अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं दुनिया के सामने। अपर्णा का आत्मविश्वास बड़ा है। केंद्र सरकार की स्कीम का फायदा ऐसे बच्चों को समय समय पर दिया जा रहा है, ताकि ये बच्चे भी दिखा सकें कि वो किसी से कम नहीं।